बिस्मिल्मा रहीम सो वी आर डूइंग एडवास्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आज हम इसमें एक थोड़ी सी एडवांसमेंट की बात करेंगे हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे स्वैप सो देयर इज़ अ न्यू वर्ड दैट्स कॉल्ड स्वैप्शन तो अगर आप इसको थोड़ा रिकॉल करें के वर्ड आपने कहाँ सुना है तो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है ऑप्शन तो अब हमने पहले बात की स्वैप्स की अब हम बात करें स्वैप्शन वट इज़ स्वैप्शन इसको स्वैप ऑप्शन भी कहा जाता है तो यूर राइट इन योर प्रोसेस अगर आप ऑप्शन को रिकॉल रहे थे तो स्वैप ऑप्शन ऑल्सो नो इट रेफर्स टू एन ऑप्शन टू एंटर इंटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप और सम अदर टाइप्स ऑफ स्वैप ऑप्शन क्या है ये कि अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आफ्टर सम टाइम यू कैन एंटर इंटू अ स्वैप और वो स्वैप पीछे पाँच साल का हो या दस साल का हो तीन साल का हो तो अभी For certain time you have an option. After that you can enter in this swap position. In exchange for option premium, the buyer gains the right but not the obligation to enter into specified swap agreement with the issuer on a specified future date. अगर आप एक swap में एंटर हो गए, फिर तो आप लॉक हो गए। इसमें क्या हो रहा है? आपके तो पास एक चॉइस मिल रही है कि आप विदिन दिस टाइम या आफ्टर सम टाइम यू कैन एंटर इनटू ऑफ स्वैप। ये आपके पास चॉइस है। इफ यू वॉन्ट टू डू इट डू इट इफ यू डोंट तो आपको कोई उस पर ऑब्लीगेशन नहीं होगी इट्स अज इट्स द लॉजिक ऑफ द ऑप्शन वट डप्शन स्वेप ऑप्शन टेल्स यू स्वेप्शन कम्स इन टू मेन टाइप्स इसमें दो मेन कैटेगरीज में ये वर्कआउट कर रहा होता है अ पेयर स्वेप्शन एंड अ रिसीवर स्वेप्शन ये जब हम पेयर या रिसीवर स्वाप्शन की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा अपने माइंड में अपनी वो बात करनी चाहिए कि इसमें दो लेग्स जिस तरह होती हैं एक फिक्स लेग और एक फ्लोटिंग लेग तो ये उस कॉन्टेक्ट से लिंक होगा इन पेयर स्वाप्शन द परचेजर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लीगेशन राइट मतलब चॉइस है उसके पास टू एंटर इन टू एन स्वैप वेयर दे बिकम फिक्स रेट पेयर कि वो जो फिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो ये पे कर रहे होंगे यानी कि इनको फ्लोटिंग स्ट्रीम मिल रही होगी तो ये एक पेयर स्वैपशन है कि आफ्टर सम टाइम आई कैन एंटर इनटू स्वैप वेयर आई विल बी पेइंग द फिक्स रेट और रिसीवर स्वैपशन इसका वाइस वर्सा होगा उसमें क्या होगा द परचेजर हैज एन ऑप्शन टू एंटर इंटू स्वैप वेयर दे विल रिसीव द फिक्स रेट एंड दे पेइंग द फ्लोटिंग रेट अगेन चॉइस विल बी विद देम कि इफ दे वांट टू एंटर दे कैन अगर ना चाहें तो वो ना करें अब अगेन जब ये ऑप्शन आएगी तो इसका मतलब है उसके साथ कुछ प्रीमियम्स और पेमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगी स्वैप्स आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर नॉट स्टैंडर्डाइज ये हमने पहले भी बात की हुई है कि आपके लिए ये कस्टमाइज किए जाते हैं तो ये दस द बायर एंड सेलर नीड टू बोथ एग्री टू द प्राइस ऑफ स्वेप्शन कि ये क्या टर्म्स होंगी वो उनको इनिशियली एग्री करना होता है द टाइम अंटिल एक्सपायरेशन द स्वाप्शन उसकी क्या टर्म होगी नोशनल अमाउंट्स क्या होंगे हु विल बी पेइंग द फिक्स हु विल बी पेइंग द फ्लोटिंग तो ये सारा क्राइटेरिया जो है वो प्री डिसाइड बिटवीन द पार्टीज हो जाता है और लिखा जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड तो है नहीं क्यों अदरवाइज तो स्टैंडर्ड टर्म्स विल डिक्टेट तो क्योंकि कस्टमाइज है तो इसका जो सारी टेलरिंग होनी है जो इसकी ड्राफ्टिंग होनी है वो इनिशियली हो जाती है एंड देन द चॉइस इज विद द बायर ऑफ द स्प्शन बेनिफिट्स ऑफ स्व ऑप्शन क्या है दे अलाउ इन्वेस्टर टू हैज ऑप्शन पोजिशन ऑन बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट इंटरास्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क बॉन्ड्स पे जो आपकी पोजिशन हैं उसको आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं स्वैप ऑप्शन ऑल्सो हेल्प फाइनेंशियल कंपनीज टू ऑल्टर देयर पे ऑफ प्रोफाइल अगर आपका अभी कुछ आपकी फिक्स स्ट्रीम चल रही है या फ्लोटिंग चल रही है तो आपके पास चॉइस आ सकती है टू चेंज और ऑल्टर योर स्ट्रीम दे ऑलसो अलाउ इन्वेस्ट टू रीस्ट्रक्चर करंट पोजिशन करंट पोजिशन से आप डिविएट करना चाह रहे हैं फॉर शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड वट एवर केस में भी तो ये आपको उसकी फ्लैक्सीबिलिटी दे, दे देता है आपको ये ऑप्शन दे देता है चॉइस आ जाए वन मे ऑल्सो यूज द स्वैप ऑप्शन टू ऑल्टर टेनर ऑफ एन अंडर लाइंग स्वैप यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडमीट गेन वन मे यूज़ द स्वैप ऑप्शन टू ऑल्टर टेनर ऑफ द अंडरलाइंग स्वैप यानी कि आपने ऑलरेडी स्वैप में एंटर हो चुके हैं लेट से दस साल के आपने स्वैप में एंटर हो गए थे और अब आप उसमें फिक्स पेयर हैं अब तीन साल के बाद आपको आपका विलिंग आ गई है कि जी नहीं आई डोंट वॉन्ट टू कीप दिस स्ट्रक्चर या मैं एक ऑप्शन लेना चाह रहा हूँ कि मेरी अगर पोजिशन रिवर्स करनी हो या इसका टेनर चेंज करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ तो वो ऑलरेडी स्वैप में तो आप लॉक हो चुके हैं अब इस स्वैप्शन से आप अपनी उस टर्म्स को पिछले वाले को ऑफसेट कर सकते हैं या उसको ऑल्टर कर सकते हैं या टेनर को भी चेंज कर सकते हैं तो ये आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन से भी आपको अपने आप की स्वैप की लॉग्ड पोजीशन से भी मूव करने में आपको हेल्प आउट कर देता है टू अंडरस्टैंड हाउ द स्वैप ऑप्शन कंसीडर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स इफ यू हैव स्वैप्शन फॉर इंटरेस्ट रेट्स एंड इफ इंटरेस्ट रेट राइज अबव द एग्रीड लेवल हमारा एक जर्नल लेवल था उससे ऊपर बढ़ गए हैं बिफोर द एक्सपायरेशन डेट रिमेन अनएफेक्टेड बाय द प्राइस क्योंकि आपके पास ऑप्शन है तो आपको उस पर इम्पैक्ट नहीं हैंड इफ द इंटरेस्ट रेट्स रिमेन सेम और गोज बिलो यू वॉन्ट एक्सरसाइज द ऑप्शन क्योंकि हमारे पास राइट था अगर हमारी यानी कि फेवरेबल मूवमेंट हो गई इंटरेस्ट रेट की तो हम ऑप्शन की वो जो स्वैप हमने जाना था हम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे क्योंकि वी आर बेटर पेइंग ऑफ इन करंट लेवल्स तो हम फिर वो करंट लेवल पे ट्रांजैक्शन कर लेंगे जो हमारी स्वैप की जो हमारे पास ऑप्शन थी वो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्वैप्शन हमें फेवरेबल मूवमेंट में बेनिफिट देने की पोजीशन पे आ जाता है अगर आइज़ अगर आप फर्स्ट डे पे ही स्वैप लेके लॉक कर लेंगे तो फेवरेबल मूवमेंट से आपको बेनिफिट शायद नहीं हो सकता तो स्वेप्शन में हमे पास एक चॉइस आ गई टू हेल्प अस इन द दैट डायनमिक्स कि जब हमें हमारी एक ट्रांजेक्शन मार्केट की करंट लेवल ऐसे हो गए कि स्वाप में जाना बेहतर नहीं है तो हम अपनी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे नहीं हम उसको वेस्ट कर देंगे यानी कि अपनी ऑप्शन को फोर गो कर देंगे एंड वी कैन एंटर इन द मार्केट तो ये इसकी ब्यूटी है इट्स वेरी बेनिफिशियल टू डू और हम इसके देखें आपने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हम इस पर थोड़ी फर्दर बात भी करेंगे आगे थैंक यू